ये टीकाकरण में खर्चो कितरो का जाए? तो अलग अलग कंपनी का जो टीका हुआ जो अलग अलग प्रकार का हुआ, तो जैसे कई कंपनी का जो टीका हुआ जो 10 रुपए को भी आवाज, कई बार 15 रुपए को भी आवाज, पर ये एक भी डिपेंड करे कि कितना दिन का लिए है। कई टीका खाली 6 महीना तक काम करे और कुछ टीका साल भर का काम करे। तो जो अभी हम टीका लगे रहे वो 1 साल तक काम करेगा, मतलब अभी जो लगाऊंगा फिर अगले साल एना सीजन में ओके लगाऊंगा। और एक ही कीमत मात्र 15 रुपया छे एक जानवर के लिए। किसान भाई बहन में संदेश दोगे? हाँ, किसान भाई और बहनों को एक यह संदेश देना चाहूंगा कि ये जो टीकाकरण है ये उनका लिए बहुत ही फायदा की चीज है। तो अपनों शुरुआत में जरूर लगे कि अपना थोड़ा 10 से 15 रुपया एक जानवर के ऊपर खर्च हो रहा है, पर एक दूर वाला फायदा देखो तो काफी फायदा है। अगर जैसे दूध वाला जानवर कही गई, ठीक है, तो मान लो कोई भैंस खरीद गई, तो भैंस अगर 5 लीटर दूध दे रही और वो ना जब तक होगा बीमारी रहेगी तब तक, तो मतलब ये समझ ले के बाद दूध पर ही कूद ही जाएगा। और सही होने के बाद भी अगर वह दूध पर होगा तो जहाँ वो 5 लीटर वाली भैंस है वह सीधे 2 लीटर दूध पर ही जाएगा, या कभी कभी ऐसा होगा बिल्कुल दूध देना बंद कर दे। तो मतलब अगर वना तरीका से देखो कि कितना नुकसान है दूध को, एक दिन में अगर 2-3 लीटर कम दूध आई रोज तो आगे से एक महीना कितने होगा, मतलब 1000 रुपया का नुकसान है। और अपना बैल ने का बात कर लो, बैल ने का अगर खुर में कभी कभी ये भी दिखाया गया कि खुर का खुर सड़ जाए, खुर फेंके जाए, मतलब आज बैल खुर की वजह से तो बैल की कीमत है, अगर आज खुर नहीं रहे तो बैल अपना किसी काम को नहीं है, मतलब ये पूरा बैल को बैल बर्बाद ही को, तो यह एक नुकसान है। तो अगर इस तरह पूरा नुकसान देखा तो यह बहुत 1000 रुपया का नुकसान से अपना का टीकाकरण बचाव है। एक थोड़ा सा पैसा खर्च कहीं ना अगर अपन बचाव कर ले तो एक अच्छी बात कही सके। एक समझने का ये कहना चाहूंगा कि सब भाई किसान भाई टीकाकरण कराना चाहिए ताकि ये बीमारी अपना उनका जानवर न का आवनी। जी जी, किसान भाई ने कई संदेश देना चाहेगा कहीं? किसान को ये कहना चाहूंगा कि ये टीको लगानो तो लाल की बीमारी नहीं आवे, हम तो हर साल लगावा। धन्यवाद भैया। धन्यवाद धन्यवाद।